यह केवट संवाद वाह ये बड़ा सुंदर गोस्वामी जी की रचना है। सुमंत को जबरदस्ती हटाते हैं बन से, अब आप जाइए पिताजी को समझाइए, अब मैं आगे जाता हूँ। तो बर बस राम सुमंत पठाए, 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 असुर सरीर आप तब आए, असुर सरीर आप तब आए। आगे तो केवट से कहते हैं कि मांगी नाम न केवट आना, मांगे ना मांगे ना, नाव मांगते जो है केवट नाव लिया, वो कहता हम नहीं जाएंगे। क्या क्यों कर कहे तुहार मरम मैं जाना, कहे तुहार मरम मैं जाना। क्या मरम है कि चरण कमल रज कह सब कही, कि मानुष करनी मोरी कछुआ, मनुष्य बनाने की जड़ी है यहाँ पे धूल में, चरण की धूल में। इसका प्रमाण छुअत शिला भरी, छुअत शिला जन का भूल लगते ही अहिल्या पत्थर से अहिल्या होकर टूट गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो वाहन तेन काठ कठिनाई, वाहन तेन पत्थर तो कड़ा काम नहीं है, ये तो और जल्दी हो जाएगी नाव। यही प्रतिपाल देखिए क्या आजकल खाएंगे से पूरा बताएंगे पूरी खा के आ रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि नहीं सत्य बोलता है कि यही नैया से प्रतिपाल सब परिवारों, अरे नहीं जानो कछु आन कबारू, और कुछ नहीं जानते नहीं जानो कछु आन कबारू। जो प्रभु अवश्य अगर अवश्य आप पार जाना चाहते हैं, जो प्रभु अवश्य पार गा चाहो, जो प्रभु अवश्य पार गा चाहो, पद कमल पखारन कहो। चरण धोने के लिए कहिए, आप कहिए कि धो लो चरण, हम नहीं कहेंगे। अरे मोही पद कमल पखारन कहो, मोही पद कमल पखारन कहो। पर ये भी कहता है देखिए भाव कि आपके पास कुछ नहीं है, मैं उतराई उतराई नहीं लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, खाली जनन धोवा लीजिए, मैं उतराई उतराई नहीं लूंगा, आपके पास तो कुछ नहीं है। पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मुही राम राउर आम, आपके पिताजी का कसम आपका कसम आगे कहता है। मोही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बड़ तीर मार, लक्ष्मण जी क्रोधी हैं मार सकते हैं, तीर मार दे मुझे, लेकिन बड़ तीर मार लखन पै जब लगिन पाव पखारी हो, जब तक पैर नहीं धरूंगा प्राण दे दूंगा, लेकिन जब तक दूंगा नहीं। बहु तीर मारा लखन पै जब लगिन पाव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, जब तक मैं पार नहीं उतारूंगी जब तक चरण नहीं धोएंगे, यह प्रेम का प्रकाश था।
भगवान सुनी के ही वट के बहन केवट का बहन सुन बात सुन करके प्रेम लपेटे अटपटे बोलता है तो बड़ा कड़ा बात कि मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं ढलाऊंगा मैं नहीं पार करूंगा सुनने में बड़ा खराब लगता है लेकिन प्रेम से भरा हुआ बोला है सुनी के वट के बहन जान की लखन तन गौर करिए बिहसना हंसना मुस्कुराना तीन प्रकार की हंसी होती है बिहसना माने खूब जोर से ठठा के जैसे मैदान में टहलने आते हैं तो खूब हा 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 वो करते हैं कि तब तुम एक किलोमीटर सुनाई दे तो ये हुआ बिहसना और एक मुस्कुराना दांत में दिखाई दे मुस्कुराना एक हंसना साधारण जैसे लोग हंसते हैं सुनी के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन चित जानकी लखन तन लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख के क्यों कहते हैं कि एक चरण लक्ष्मण धोते थे एक चरण सीता धोती थी भगवान कह रहे कि बताओ कि दोनों चरण धोने के लिए कह रहा है धोला में किसी पार बैठे रहे इन लोगों ने इशारा किया कह रहे प्रभु आप धोवा लीजिए नहीं तो सचमुच हम लोगों को इसी जगह रख देगा कभी हंसे करुणायन चित जान की लखन तन तब कृपा सिंधु कृपा के सिंधु है कृपा सिंधु बोले मुस्काई अब मुस्कुरा रहे हैं देखिए पहले भी हंसे अब मुस्कुराए कृपा सिंह अरे सोई करू जेही तब नाव न जाई सोई करू वही करो जिसे तुम्हारी नाव न उड़े भैया बेगिया जल जल्दी से जाओ पानी ले आओ जल बेगिया जल अपावन पखारू अरे हो तो विलंब उतार ही पारू हो तो विलंब प्रभु का आज्ञा पा करके घर में जाता है जाके देखता है कठौती और कठौता ये सब रखा हुआ है तो विचार किया कि अगर कठौती लेके जाते हैं तो मान लो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो लड़की हो जाएगी तो हम गरीब आदमी शादी ब्याह कहाँ से करेंगे तो विचार किया कि नहीं कठौता लेके चलो अगर लड़का हो जाएगा तो कम से कम नाव तो फेगा अरे केवट राम रजाए सुपावा तो पानी कठौता भरिए पानी कठौता भरिए चरण सरोज पखारन चरण सरोज पखारन देखी दशा उसका प्रेम का दशा देख करके सूर देवता ऊपर से क्या कहते हैं कि देखी दशा सूर सकल सिहाही सब कहते हैं यही सब पुण्य पुण्य पूर्णाही इसके साथ पुण्यवान को नहीं है जो जन्म हो रहा है पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार अब पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुनित गए उलय पार अब उतरी ठाण भय सुर शरीर उतरी भय सुर शरीर
था राम लक्ष्मण अबू वो कौन था निषाद राज सब निषादों का राजा तो केवट उतरी केवट उतर के दंडवत करता है लेकिन हमारे प्रभु कैसे दयालु है कितना सकुचते हैं विभीषण लंका छोड़ बैठे आए तो आते ही राम तिलक दे ही सारा तुरंत तिलक दे दिया लंका का राज ऐसे दयालु है भगवान क्या करते हैं कि प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना भगवान सकुचते हैं कि मैंने कुछ दिया नहीं तो कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या महारानी जानकी को दिव्य बसन भूषण पहनाया कौन सती अनुसुईया ने इनकी अंगूठी ये देख रही थी पति को ये कुछ देना चाहते हैं लेकिन इनके पास कुछ नहीं है तो क्या कहती तो प्रिय ही की सिए जानन हारी मणि मुदरी मन मुदी करतारी मणि मुदरी मन मुदी होकर के मुदरी दे रही हैं आजकल मुदरी देंगे तो कहेंगे अगली बार बनवा के दे दीजिएगा नहीं तो खाना बंद और प्रभु को अंगूठी दे रही है कैसे मन मुदरी मन मुदरी कहे वो कृपा ले उतराई के वट चरण कहे वो अरुणाई चरण पकड़ के कहता है भजन है उस लोग बात आप कि मैं ना ले हूं केवट कहता है कि मैं ना ले हूं प्रभु तेरी उतराई मैं ना प्रभु तेरी कहत निषाद सुनहु रघुराई मैं नारियो प्रभु तेरी उतराई मैं नारियो प्रभु अनक मुद्रिका देख दयानी ले निषाद आपन उतराई छल बल कर पुछवत नहीं कर से कोटि उपाई करत रघुराई तेरी उतराई प्रभु तेरी उतराई कहता है कि जन्म जन्म भर की मजदूरी हमेशा से तो मजदूरी कर रहे हैं सो विधि ना दीवी भरपूर अब तो नाथ ना ही कछु चाहिए दीना नाथ अनुग्रह प्रभु तेरी उतराई प्रभु तेरी उतराई कहता है कि हमारे कुल की रीत दयानी हम छोटे कुल के हैं प्रभु हमारे कुल की रीति है कि कोई अगर बड़ा आता है उसका सेवा करते हैं हमारे कुल की रीत दयानी संत मिले तो करब सेवकाई रीत छोड़ी अनरीत न करी हूँ सत्य कहे राम दुहाई प्रभु तेरी उतराई मैं नालियो प्रभु तेरी उतराई तेरी उतराई फिर कहता है कि आज नाथ हम कुछ न लीली अलोक कुटुम सब पारस की फिर मेरी आज
जब लौटिएगा तो जो दीजिएगा प्रभु मैं ले लूंगा युवती की मेरी आज जो कछुती है सो हम ले शीश चढ़ाई मैं नाल जो प्रभु तेरी उतराई मैं नाल जो प्रभु तेरी उतराई मैं नाल जो प्रभु तेरी जी क्या वरदान मांगता है यह प्रेम का रूप कि नदी नाव के हम ही खेवैया नदी नाव के हम ही खेवैया नदी नाव नदी के नाम को तो मैं खेता हूँ और भव सागर के श्री रघुराई भव सागर की नैया को आप खेते हो मल के जब हम आपके घाट पे जाएंगे तो आप खेल पार करेंगे अरे नदी नाव के हम ही खेवैया भव सागर के श्री रघुराई तुलसीदास यही बर मांगो देखिए क्या वरदान मांग रहा है तुलसीदास यही बर मांगो जब आपके घाट पर हम जाएंगे तब हम न लागे प्रभु मेरी उतराई प्रभु प्रभु मेरी उतराई प्रभु तेरी उतराई मैं कविता साहित्य क्या है कि जात पात न्यारी हमारी ना तिहारी नाथ कहता है कि हमारी आपकी जाति दो नहीं है चालाकी देखिए कि कहबे को केवट आप भी केवट हम भी केवट आप बड़ा केवट है प्रभु हम छोटा कहबे को केवट हर निश्चय विचारी ऐसे कि तू तो उतारो भव सागर परमार्थ को मैं तो उतारू घाट सुरसरी किनार में जब एक जाती है तो जात से जात पैसा नहीं लेता है कुछ नाई से न नाई ले नाव से नाऊ दाढ़ी बनवाई नहीं लेता पैसा और धोबी ना धोलाई ले धोबी से धोबी नहीं लेता है तो तेरे से उतराई ले कुटुंब से निकारी देखिए आप उतराई लेंगे हम कुटुंब से निकाल दिए जाएंगे हे प्रभु सीधा उपाय है कि जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारो नाथ जैसे बिना कुछ लिए मैंने उतारा जब तेरे घाट गई हो नाथ मो को भी उतारियो कैसे उतारियो क्यों हवा न लगे प्रभु मेरी उतराई फरमाइश तो नहीं कर गाते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु जी सोहर सुना दीजिए कृष्ण भगवान बिल्कुल बिल्कुल सोहर सुना दे रहे कि मोरे पिछवरवा चंदन गाछे अवर चंदन हो रामा सुधर बढ़िया मारे छे राम बलराम को राम जय गढ़ऊ करौआ ललन जी के पालन हो रामा जसमती आड़ी झुलावे ललन जी के लाल तुम झूला झूलो हम पानी भर के जमुना से लाते हैं सो झूल
झूलहु ए लाल झूलहु अवरो से झूलहु हो लरना जमुना से जल भरी लानी ते झूलवा झूलारी ओ रावा जमुना से जल भरी लाई ते झूलवा जमुना पहुँचहू न पवनी जमुना पहुँची भी नहीं जमुना पहुँचहू न पवनी अब भरी लवो न भरनी हो रामा पिछमा उलट जो मैं जीता महल मुरली बाजे लहो रामा पिछमा छह दिन के थे और मुरली बजाने लगे अपना लीला दिखा रहे हैं तो कहती हैं ये रान परोसी न मैया मोरी और बहिन मोरी हो पहली छवही दीना की बहन लाल मुरली बजावे वो लोग समझाते हैं कह रहे जसुमत बताओ मत बोलो मत चुप रहो जसुमती चुप रहो चुप रहो चुप रहो जसुमती चुप रहो दुश्मन जनी सुन हो कौन सुन सुन ले दुश्मन जनी सुन हो अरे बहनी की है कंस के मरी है और गुलाब सही है ओ बहनी की है जो कंस के मरी है और गुलाब सही है ओ बसे है ओ बसे है